मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की पांचवी सूची जारी कर दी है, जिसमें पूर्व विधायक प्रहलाद लोधी को पबई विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके विरोध में रविवार को संजय नगायच के निवास पर पबई विधानसभा के हजारों बीजेपी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी आलाकमान को 4 दिवस के अंदर टिकट बदलने का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर टिकट नहीं बदली जाती है तो 26 अक्टूबर को 10,000 बीजेपी कार्यकर्ता सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। ये हजारों हजार कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पवई में इकट्ठे हुए हैं, उन सब की मंशा ये है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो ये निर्णय लिया है ये बहुत ही गलत है। आप देख रहे हैं सामने वाले प्रत्याशी के ऊपर आपराधिक मामले हैं, सजा याफ्ता है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के स्टे पे भी उनका करनी होता है। तो 26 तारीख को सब लोग इकट्ठे होके शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करेंगे, समस्त पवई विधानसभा क्षेत्र के पूरे कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, वहाँ पे निर्णय होगा। सभी पदाधिकारी नीचे करो आईडी, जनप्रतिनिधि, जिम्मेवार क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी लोग आज यहाँ पवई में इकट्ठे हुए, स्वयं प्रेरणा से इकट्ठे हुए और सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जो पवई विधानसभा में टिकट दी है बहुत गलत व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति को दी है, जबरदस्त उसकी क्षेत्र में विरोध है, उसको भारतीय जनता पार्टी उसके कारण, उसके कर्तृत्व के कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भोगना पड़ेगा। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा में रह के पार्टी के नेतृत्व को निवेदन कर रहे हैं कि पवई विधानसभा की जो टिकट दी है उस पर पुनर्विचार किया जाए और 5 दिन के अंदर इस टिकट को परिवर्तित करते किसी योग्य और अच्छे जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता को दिया जाए।